Good morning students. Today we are going to do some question answers of the story I want. So the first question is word building. Match the animal to its group. बच्चों यहाँ इस साइड कुछ एनिमल्स बनाए हैं, आपको उन्हें उनके ग्रुप के साथ मैच करना है. जैसे फर्स्ट हमारा है अ बी, एक मधुमक्खी. जो मधुमक्खी का बच्चों ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं स्वॉर्म. मधुमक्खी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वॉर्म. अ स्वॉर्म ऑफ बीज. अ काउ, काउ के ग्रुप को बच्चों बोलते हैं हम हर्ड, एच ई आर डी, हर्ड. अ हर्ड ऑफ काउस. ऐसे ही लॉयन का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं प्राइड, पी आर आई टी ई, प्राइड. अ प्राइड ऑफ लॉयंस. ऐसे ही बर्ड का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. ये सब ग्रुप के नाम आपको पता होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स राइट. द मंकी रोट टू हिज मदर. मंकी ने उसकी मदर को लिखा, आई लुक ऑफुल, मैं बहुत डरावना दिख रहा हूँ. ही मेड टू मिस्टेक्स. उसने ये सेंटेंस लिखते टाइम दो मिस्टेक्स की हैं. व्हाट आर दे, हमें बताना है वो कौन सी मिस्टेक्स हैं. तो मैंने यहाँ लिखा है कौन सी मिस्टेक है. ही रोट स्मॉल आई. देखो बच्चों जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन इसने यहाँ छोटा आई लिखा है, तो एक गलती ये है. एंड ऑल्सो फॉरगॉट फुल स्टॉप. और जो सेंटेंस है उसके लास्ट में से फुल स्टॉप, बिंदी भी लगती है जब हम सेंटेंस को एंड करते हैं. तो एक तो उसने फुल स्टॉप नहीं लगाया और एक उसने छोटा आई लिखा है. ये उसकी दो गलतियाँ हैं. राइट द सेंटेंस करेक्टली. और हमें इस सेंटेंस को अब ठीक करके भी लिखना है, तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं करेक्ट सेंटेंस. आई लुक ऑफुल. यहाँ देखो आई बड़ा आएगा और पीछे यहाँ फुल स्टॉप पे लगेगा. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक अ वर्ड. यहाँ आपको कुछ लेटर्स दिए हैं, ये आगे पीछे दिए हैं, आपको इनको सही ऑर्डर में लिखना है ताकि एक सही वर्ड बन जाए. टू हैव बिन डन फॉर यू. दो इन्होंने आपके लिए किए हैं. जैसे फर्स्ट है ओ टी. ओ टी को अगर हम टी ओ, मतलब जो पीछे वाला टी है पहले वो लिख दें और फिर ओ, तो टी ओ टू हमारा एक वर्ड बन जाएगा. ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसका तो एक मीनिंग होता है. लेकिन ओ टी ओट तो कुछ भी नहीं होता. ऐसे ही एस आई सी कुछ नहीं होता. अगर लेकिन हम उसे आई एस लिखें तो इस, ये हमारा एक सही वर्ड बन जाएगा. ऐसे ही आपको ये सारे वर्ड्स लिखने हैं. जो पीछे वाला है उसको आप पहले लिख देना और जो पहले है उसको लास्ट में, तो ई एच एच ई ही बन जाएगा. ऐसे ही जी आई बी को जब आप उल्टा करके लिखोगे बी आई जी पिक बन जाएगा. ऐसे ही एम आई एच को उल्टा करके लिखना एच आई एम हिम बन जाएगा. ऐसे ही एस आई एच को एच आई एस करके लिखोगे हीज बन जाएगा. ऐसे ही आर ई एच को उल्टा करोगे तो एच ई आर हर बन जाएगा. ऐसे ही एन ए सी को उल्टा करोगे तो सी ए एन कैन बन जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स. यहाँ जो नीचे पिक्चर्स बनाए हैं इनको देखो, काउंट एंड राइट. इन्हें काउंट करो और फिर लिखो कि ये कितनी हैं. जैसे फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर कितने जिराफ है बच्चों? यहाँ एक जिराफ है, ओनली वन जिराफ. और यहाँ कितने हैं? टू. तो जब ज़्यादा हमारे पास हो जाते हैं तो हम पीछे एस या फिर ई एस लगाते हैं. यहाँ इन्होंने जिराफ के पीछे एस लगा के क्या लिखा है? जिराफ्स. और यहाँ लास्ट में हमें उनके नंबर भी बताने हैं कि कितने हैं वो, टू जिराफ्स. ऐसे हमें आगे वाली पिक्चर्स में करना है. पहले ये कितना है? यहाँ वन एलिफेंट, एक हाथी है, तो यहाँ हमने लिख दिया वन एलिफेंट. और यहाँ कितने हैं? वन टू थ्री, थ्री है ना. सॉरी यहाँ मैंने टू लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आप बच्चों लिखोगे थ्री, टी एच आर डबल ई, थ्री एलिफेंट्स. लास्ट वाले कॉलम में हमको इन सब के नंबर लिखने हैं और यहाँ पे हमें इनके पीछे एस लगाना है क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं. जब एक से ज़्यादा चीज़ होती है तो हम उसके पीछे या तो एस लगाते हैं या फिर ई एस. ई एस के रूल हम बाद में करेंगे. आप यहाँ देखो कितने ज़ेब्रा हैं? एक ज़ेब्रा, तो यहाँ हम लिख देंगे वन ज़ेब्रा. और यहाँ कितने हैं? वन टू थ्री फोर.
तो यहाँ आप क्या लिखोगे, फोर ज़ेब्रास, FOUR, फोर ज़ेब्रास, और यहाँ ज़ेब्रा के पीछे एस लगा दोगे। नाउ नेक्स्ट, यहाँ कितने फ्रॉग हैं, एक है, तो यहाँ हमने इसलिए वन फ्रॉग लिखा है। और यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6 frogs, SIX, 6 frogs, और यहाँ फ्रॉग के पीछे हम एस लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। डू ऑल दीज क्वेश्चंस केयरफुली।